गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। सो दिस इज़ डे 4 इन ले। सो भाई, आज हम लोगों का प्लान है कि हम लोग आज लोकल ले एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पर कई सारी चीज़ें यहाँ पर लोगों ने बताई हैं कि साइट सीन है, आप वहाँ जाकर एक्सप्लोर कर सकते हो। सो अभी हम लोग यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं, और चेकआउट करने के बाद फिर दूसरी जगह चेक इन करके फिर वहाँ पर अपना सामान रख के उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो अभी इट्स 11:15 इन द मॉर्निंग और वेदर काफ़ी ज़्यादा धूप है। मतलब अभी होगा अराउंड 30-32 के आसपास होगा टेम्परेचर, बट गर्मी है यार। यहाँ पर रात में ठंड है, दिन में गर्मी रहती है। इसके बाद जब हम लेह से नुबरा जाते हैं, पेंगोंग जाते हैं, या फिर हनले जाते हैं, उमलिंगला, तो वो जगह ठंडी हैं क्योंकि वो सब यहाँ से ऊपर हाइट पे है, बट ये बहुत गर्म रहता है। सो बस अब मैं बाइक पर अपना सामान बांध रहा हूँ और यहाँ से हम लोग जाएंगे। हॉस्पिटैलिटी अच्छी है यहाँ की, आप यहाँ पर आकर स्टे कर सकते हो। रोवन्स डैन के नाम से हॉस्टल है, आप गूगल आउट कर लेना, मैप्स पर डालोगे तो भी वो आपको यहाँ पर ले आएगा। सो डोमेट्री बेड्स और रूम्स दोनों। सो गाइस, इन्होंने यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा ये रूट मैप बनाया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो आपको बहुत हेल्प करेगा ये। सो ये ले है, यहाँ से ये नुबरा, उसके बाद फिर ये है आपका मनाली वाला रास्ता, ये रहा, और ये वो रास्ता है जहाँ से मैं आया हूँ, श्रीनगर वाला। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत हेल्पफुल है। हे गाइस, वेलकम बैक। सो हम लोग यहाँ से निकल गए ले लोकल एक्सप्लोर करने के लिए, और यहाँ से पहले हम जा रहे हैं शांति स्तूपा। तो शांति स्तूपा का रास्ता थोड़ा सा आगे जाके लिंक रोड आती है, वहाँ से लेफ्ट लेके सीधा जाना पड़ता है। तो जितने भी साइट सीन्स हैं ना, ये सब थोड़ी सी हाइट हाइट पे हैं। अभी जस्ट बाइक पार्किंग से निकाली, भाई सांस फूल गई इतनी देर में। सो गाइस, वो है शांति स्तूपा और रास्ता यहाँ से जाता है। क्या बढ़िया व्यू है। हम लोग पहुंच चुके हैं शांति स्तूपा में, और यहाँ पर 60 रुपीज़ की टिकट, मतलब 30 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से टिकट है, तो थोड़ा सा चलना पड़ता है। टाइमिंग है 7 AM to 8 PM। सो गाइस, ये हम पहुंच गए ले पैलेस। ले पैलेस के लिए आपको वापस नीचे सिटी में आना पड़ता है, उसके बाद दूसरा रास्ता जाता है उसका ऊपर। तो ऐसे ही है, कोई 2-3 किलोमीटर टाइप्स है, और ये काफ़ी सारी बाइक्स खड़ी हैं यहाँ पे, बड़ी सारी कार्स भी हैं, भीड़ तो लग रही है। भाई, अभी हम लोगों ने जस्ट खाना खाया है, और ये लेह का मेन जो चौक है, आप यहाँ से जब लेफ़्ट आओगे तो यहाँ पर एक है खाना खजाना रेस्टोरेंट, आप यहाँ पर आके खाओ, बहुत बढ़िया नूडल्स और बिरयानी थी। हम लोग यहाँ से जा रहे हैं थक्सी मोनेस्ट्री, तो वो यहाँ से है करीबन 30 किलोमीटर्स के आसपास, तो वही 40 मिनट्स का रास्ता है। अभी मैंने थोड़ा सा कवर कर लिया, अभी 17 रह गया, तो 27 मिनट्स का रास्ता दिखा रहा है। बट वो मोनेस्ट्री है, वो मेरे को एक दो लोगों ने बोला था कि भाई वहाँ ज़रूर होके आना, बट मेरी बाइक का पीछे वाला फुटरेस्ट टूट गया, पता नहीं कैसे चलते चलते गिर गया। वो लूज़ हो रहा था पहले से ही, बट मैंने ध्यान नहीं दिया, वो चलते चलते कहीं गिर गया। सो गाइज, यहाँ से मोनेस्ट्री की एंट्री होती है, और ये ऐसे ऊपर जाना है, और वहाँ पर मोनेस्ट्री है, चलना पड़ेगा।
यहाँ पर एक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि मतलब 7:30 और 7:45 तक भी दिन रहता है, तो अभी जो टाइम हो रहा है आप देख सकते हो 6:15 हो रहा है, तो 6:15 भी इतनी तेज़ धूप है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर मतलब सनराइज़ जल्दी होता है, सनसेट थोड़ा देर में होता है, तो देख सकते हो। और अभी ये 7:15 तक भी थोड़ी थोड़ी धूप रहेगी, उसके बाद फिर धूप जानी शुरू होगी, इवन 8 बजे तक भी आपको हल्का हल्का ना उजाला सा दिखेगा। सो गाइज, फाइनली मोनेस्ट्री देख के कम्प्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको शॉर्ट्स अच्छे लगे होंगे। सो सबसे हाईएस्ट मोनेस्ट्री है ये यहाँ की, और अब बस यहाँ से चलने की बारी है, यहाँ से जाएंगे ले। और अभी टाइम हो रहा है 7:00, धूप देख रहे हो आप, 7 बजे भी ऐसी धूप है। लेह में बहुत पेट्रोल पंप्स हैं, लेह में पेट्रोल पंप की कोई चिंता मत करना, लेह में बहुत सारे मिल जाएंगे। लेह के बाद आगे चलोगे तो डिस्किट में मिल जाएगा, डिस्किट के बाद नहीं है भैया कुछ भी, फिर तो कैरी करना ही पड़ेगा। तो बेटर है कि जेरी कैन ले लो और रख लो, नहीं तो फिर ब्लैक में पेट्रोल ले लो, 50 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं वो 1 लीटर पे। फाइनली हम लोग लेह की मार्केट में पहुँच चुके हैं, और बड़ा बढ़िया क्राउड है भाई, और मैं तो फर्स्ट टाइम आया, मैंने अभी तक ये सब मार्केट सिर्फ मतलब ब्लॉग्स वगैरह में देखी है लोगों के, तो फाइनली आज खुद यहाँ पर एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है। और क्या चीज़ नहीं है यहाँ पे, सब कुछ मिलता है। इतने 7:45 और आप डेलाइट देख सकते हो कितनी बढ़िया है, क्या ज़बरदस्त क्राउड है। इवन आज सैटरडे है, तो सैटरडे नाइट वीकेंड है, और लोकल लोग भी आ गए, बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पर घूमने में। सो फाइनली वी आर बैक, और आज पूरा लेह सिटी हमने एक्सप्लोर कर लिया। सो हम लोग सबसे पहले गए शांति स्तूपा, उसके बाद फिर हम गए मोनेस्ट्री, फिर हम गए लेह पैलेस, और लोकल मार्केट हमने एक्सप्लोर करी है। आप लोग यहाँ पे एक्सप्लोर करना आके, बहुत बढ़िया जगह है, बहुत पीस मिलता है। और वेदर दोपहर में बहुत गर्मी है, इस टाइम रात में ठंड है, ठीक ठाक मतलब ठंड नहीं है बट ठीक ठाक वेदर है। सो इसी के साथ लेते हैं आज आपसे अलविदा, और इस ब्लॉग की जो एंडिंग है वो यहीं पर करते हैं, और मिलते हैं आपसे कल के नए ब्लॉग में। क्योंकि कल जो एक्साइटमेंट है ना, वो जब हम डे वन पे दिल्ली से चले थे उससे भी into 2 times होने वाली है, बिकॉज टुमारो आई विल बी गोइंग टूवर्ड्स खारदुंगला एंड उसके बाद नूबरा वैली, तो हमारा वो रूट बहुत बढ़िया होने वाला है, बहुत बढ़िया एडवेंचर होने वाला है। तो बने रहिए, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड ऑन माई चैनल, और लेबंती जारी रहेगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।